हम ये कह रहे हैं कि बंदी सिंहों के ऊपर जो इल्जाम है, और जगतार सिंह हवारा साहब जत्थेदार साहब का तो मैं वकील हूं, तो मुझे उनके ऊपर इल्जामात का भी पता है, तो आज तक सुप्रीम कोर्ट से उन्हें सजा नहीं हुई, तो वो कानून की नजर में अभी तक बेगुनाह। जिन लोगों को रेप के केस में, छोटी छोटी बच्चियों के रेप के केस में, हजारों लोगों को मार देने की साजिश के केस में सुप्रीम कोर्ट तक से सजाएं हो चुकी है, जिनको राजीव जी को मारने वाले लोगों को सुप्रीम कोर्ट तक से सजा होने के बाद छोड़ा गया है, तो क्या इंसाफ और बराबरी का तकाजा ये नहीं है कि बंदी सिंहों को भी छोड़ा जाए? तो हम कोई भीख नहीं मांग रहे, देश का संविधान ये कहता है, देश का संविधान ये कहता है कि सबको बराबरी की ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, तो बंदी सिंहों के हक मारी हो रही है, उनके जो हक के हिसाब से उन्हें अभी सबको बाहर होना चाहिए था, वो नहीं है बाहर, तो ये डिमांड एक जायज डिमांड है, ये डिमांड संवैधानिक डिमांड है, ये डिमांड ऐसी है कि भारत इससे मजबूत होगा, क्योंकि किसी भी कम्युनिटी को, माइनॉरिटी कम्युनिटी को खास तौर पे ऐसा नहीं लगना चाहिए, और माइनॉरिटी कम्युनिटी भी कौन सी, सिख कम्युनिटी, जिसने इस देश के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी हैं, उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमसे, हमारी कम्युनिटी के लोग हैं तो उनके साथ भेदभाव हो रहा है। जिन लोगों ने ज्यादा जघन्य अपराध किए हैं और जिनके ऊपर अपराध साबित भी हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट तक से, उन्हें तो छोड़ा जा रहा है सरकार द्वारा, पर सिख लोगों को, जिनके साथ सबकी, पूरी सिख कम्युनिटी की नहीं, हर एक इंसाफ पसंद व्यक्ति की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, उनके साथ ज्यादती हो रही है, ऐसा मैसेज नहीं जा रहा। पब्लिक परसेप्शन ये है कि जो जत्थेदार साहब पे इल्जाम है, वो ये मानते हैं कि अगर उन्होंने ये किया भी है तो ठीक किया है, जो बेहन सिंह की हत्या हुई है वो अगर उन्होंने की भी है तो वो ठीक की है, तो इस पब्लिक परसेप्शन के बारे में क्या सोचते हैं आप? देखिए, मैं वकील हूँ, संविधान का मानने वाला हूँ, मैं पब्लिक परसेप्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, और ये पब्लिक परसेप्शन इम्पोर्टेंट नहीं है। पब्लिक परसेप्शन ये इम्पोर्टेंट है कि एक ही जगह पे, एक ही स्थिति में दो लोग या दो ग्रुप्स खड़े हैं, तो एक ग्रुप के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, इस पर पब्लिक परसेप्शन को होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने अभी इन लोगों को सजाएं दी हैं? नहीं दी, फिर ये जेलों में क्यों है? सुप्रीम कोर्ट बार बार इस बात को कह चुका है कि अगर पूरा जो ट्रायल, कानूनी प्रक्रिया है, वो खत्म होने के चांस नहीं है, तो आधी सजा के बाद ही छोड़ देना चाहिए, ये बार बार बात कही जा रही है। जघन्य से जघन्य अपराध हो, जब भी पूरी कानून में सजा हो चुकी है तो छोड़ देना चाहिए, तो क्यों नहीं छोड़ा जा रहा? ये है जो सवाल है कि ये उनके बारे में ये पूछा जाना चाहिए सवाल। पब्लिक परसेप्शन किसकी क्या है, वो देखिए ऐसा है कि पब्लिक परसेप्शन बनाने के लिए बहुत सारे लोगों की वेस्टेड इंटरेस्ट भी होते हैं। जो आपने सवाल पूछा है वो एक वेस्टेड इंटरेस्ट है, वो इस बात को कह सकता है, पर हमारा जो सवाल है, जो हम डिमांड कर रहे हैं, वो खालिस है, प्योर है, एकदम ऐसा है जो निष्पक्ष है। हम कोई ऐसा पब्लिक परसेप्शन नहीं डेवलप करना चाहते जो निष्पक्ष ना हो। ये जो हम बात कर रहे हैं वो निष्पक्ष है, संवैधानिक है, कानूनी है, बाकी जिसको अपनी जो भावनाएं रखनी है वो रखे। कुछ लोग ये भी भावनाएं रखते हैं कि इंसान को इंसान से बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ये मनुवाद की परसेप्शन है, तो जो मुट्ठी भर लोग मनुवादी हैं वो तो ऐसा भी सोचते हैं, उन सब बातों में हमें नहीं जाना है, बराबरी और इंसाफ की बात करें। आपने 3 महीने कहा है कि इतने लंबे समय से नहीं बा रहे हैं, तो 3 महीने में कैसे लग रहा है आपको? देखिए, ये 3 महीने तो मैंने आउटर लिमिट बताई है, अगर ईमानदारी से जो इंसाफ, सच्चाई और हमारे देश का संविधान मानने वाले लोग हैं, अगर वो ईमानदारी से, जो हमारे संविधान ने रास्ता दिखाया है पीसफुल प्रोटेस्ट का, अगर सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति, सरकार भी काम ठीक ना करे, तो हमारे संविधान ने, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने खास तौर पे कमजोर वर्गों को ये रास्ता दिया है कि वो पीसफुल प्रोटेस्ट करें। जनता की आवाज सबसे मजबूत आवाज है, इस बात को सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस भी, एक मिनट, इस बात को सुप्रीम कोर्ट के 4 सिटिंग जजेस भी कह चुके हैं कि जनता आगे आए, सुप्रीम कोर्ट की रक्षा करे, मतलब न्याय की रक्षा करे, तो जनता को आगे आना है। जगतार सिंह हवारा साहब जो जत्थेदार हैं अकाल तख्त के, उनको मानने वाले दुनिया भर में इतने लोग हैं, अगर वो ईमानदारी से प्रोटेस्ट शुरू करें आज से, तो 3 महीना बहुत लंबी तारीख है, बहुत जल्दी वो सब लोग बंदी सिंह बाहर। विश्वास करते हैं सर जी? आप लोग तो कहते हैं कोर्ट पे विश्वास नहीं है। हमने ऐसा कब कहा? हमें न्याय व्यवस्था पे सबसे ज्यादा विश्वास है, SC ST OBC और माइनॉरिटीज को। ये जो दबाव हो रहा है ना इन न्याय व्यवस्थाओं पे, देश की CBI पे, ED पे, उसके खिलाफ हम आवाज उठा रहे हैं कि ये लोग
क्या हुआ उस मामले में? पांच बीजेपी के मेंबर्स को अपॉइंट किया गया, पांच ऐसे अफसरों को अपॉइंट किया गया जो उस तरह के अफसर हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट के जज से रिटायर होने के बाद राज्यसभा का मेंबर बनाया जाता है, जिन्हें गवर्नर बनाया जाता है, उस तरह के पांच मेंबर्स और पांच बीजेपी के ऑफिस बेयरर्स मेंबर्स को अपॉइंट करके जो फैसला कराया जाता है, ये फैसला हमारे संविधान के खिलाफ है, ये फैसला इंसाफ और बराबरी के खिलाफ है। गुजरात दंगों से जितने भी मामला है सबको बंद कर दिया है, अभी की अपडेट है। देखिए बंद इसीलिए तो कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के चार जजेस कह चुके हैं हम पे दबाव है, अभी ये जो चीफ जस्टिस रिटायर हुए हैं ये अमेरिका जाके कह चुके हैं कि सरकार हम पे दबाव बनाती है। जो हमारे देश के लॉ मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू साहब, जो कि एक ट्राइबल हैं, उनकी कितनी मजबूरी रही होगी बड़ी कि उनको ये कहना पड़ा कि सुप्रीम कोर्ट को सरकार से मिलके चलना चाहिए, उसके हिसाब से चलना चाहिए। तो ये दबाव खुले आम है, इसी के खिलाफ आंदोलन करने की आवश्यकता और ज्यादा हो गई है। आज अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला किया है तो जन आंदोलन की और बड़ी आवश्यकता हो गई है, पीसफुल जन आंदोलन की। और मैं समझता हूँ ये जो बंदी सिंहों की रिहाई है ये भी एक ऐसा आंदोलन होना चाहिए जो किसान आंदोलन से भी बड़ा हो, जो CNRC आंदोलन से भी बड़ा हो। सर प्रोटेस्ट में आप वॉयलेंस की कितनी जगह देखते हैं, क्योंकि पंजाब में एक वॉयलेंट हिस्ट्री रही है, वॉयलेंस की कितनी जगह देखते हैं कि क्या कभी एक ऐसा मौका आ सकता है जहाँ वॉयलेंस का सहारा लेना पड़े? वॉयलेंस देखिए कोई भी SC ST OBC सिख क्रिश्चियन बौद्ध मुस्लिम जो हमारी माइनॉरिटी हैं, कभी भी, क्योंकि ये सब अंबेडकरवादी हैं, भारत का संविधान मानते हैं, कभी भी सुनिए जवाब जवाब देने दीजिए, और नाम के हिसाब से पूरा तो करने दीजिए, एक एक सवाल का जवाब दे लो प्लीज, पूरा करने दीजिए उसके बाद। ये कभी भी वॉयलेंस और हिंसा में यकीन नहीं रखते, वॉयलेंस और हिंसा जो भी करता है वो या तो बहकाया गया होता है मनुवादियों द्वारा, या उसके ऊपर कोई ऐसा जुल्म कर दिया गया होता है कि वो अपनी सोचने समझने की ताकत खो जाए, इतना बड़ा अन्याय हो जाए। ज्यादातर केस में 99.9% केसेस में जो भी वायलेंस होती है पीसफुल प्रोटेस्ट में, मैं साफ तौर पर बता रहा हूँ आपको, वो RSS और BJP के मनुवादी मानसिकता के लोग घुसकर कराते हैं और पुलिस को उकसाते हैं कि वो पीसफुल प्रोटेस्ट खत्म कराने के लिए उस पर लाठीचार्ज करे और गोली चलाए। 99.9% हिंसा मनुवादी कराते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग कभी हिंसा नहीं करेंगे, हमारे तो नंबर ही 92.5% है, हमें हिंसा की क्या जरूरत है, देश में तो नंबर्स से देश चलता है ना, हमें क्या जरूरत है वायलेंस करने की। वायलेंस वो करते हैं जो कि वायलेंस का बहाना लेके हमारी असली सच्ची आवाज दबा सके। सर सवाल ये था कि जिस देश में संविधान का राज चलता है क्या वहां पे जाति और नाम के हिसाब से इंसाफ मिलेगा? मिल रहा है, उसी को तो खत्म करना है। आज अम्बेडकरवादी लोग, संविधानवादी लोग, SC ST OBC और माइनॉरिटीज और महिलाएं मिलकर खत्म करेंगी। ये जो आज सिस्टम चल रहा है ये मनुवादी मानसिकता के द्वारा कैप्चर्ड सिस्टम चल रहा है, जिसको खत्म करने के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, ये बहुत जल्दी खत्म होगा, आप लोग सब विश्वास। देखिए बहुत सारे मुस्लिम्स भी मनुवादी मानसिकता के हैं, पाकिस्तान में तो बहुत सारे हैं जो बड़े बड़े औहदों पे बैठे हैं ना, वो सब मनुवादी मानसिकता के हैं। जिन्हा जो थे वो मनुवादी मानसिकता के थे, जब ही तो RSS के साथ मिलके देश का विभाजन करा, तो महिलाएं भी बहुत सारी मनुवादी होती हैं। अब उन्होंने तो अपनी बेटी के साथ ही अत्याचार कर रखा है, ये देखिए ना, स्मृति ईरानी जी ने एक बच्ची जो वो खुद कह रही है 18 साल से कम है उससे बिजनेस करा रही है, अगर उसे खाना बनाने का शौक था वो घर में बनाती, अपने परिवार वालों को, अपने मित्रों को बना के खिलाती, लेकिन स्मृति ईरानी जी ने उससे एक बिजनेस चलाया क्योंकि उनका इंटरेस्ट पैसों में है, तो पैसों में इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ मनुवादियों का। थोड़ी थोड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं होगी जो अभी आपने दी है कि क्या अगर कोई लड़की 18 साल से ऊपर है वो बिजनेस नहीं कर सकती है? कम बता रही ना स्मृति ईरानी जी, तो से माइनर है ना, उसके नाम से तो लाइसेंस नहीं मिल सकता, वो अपने बैंक अकाउंट नहीं खोल सकती, तो वो अपने पेरेंट की गाइडेंस में होती है, उसके गार्जियन जो होते हैं पेरेंट होते हैं, तो स्मृति ईरानी जी ने ही, ये प्रिजम्पशन है लॉ में कि उन्होंने ये उससे बिजनेस खुलवाया होगा, वरना उसका उसका स्वयं का बिजनेस खोलने का भी कानूनी हक ही नहीं। वो तो नॉन हजार्डियस में है ना, अगर माइनर है तो नॉन हजार्डियस जॉब है वो तो। ये माता पिता की जिम्मेदारी है ना उससे ऐसा काम कराना, किसी भी प्रकार का बिजनेस कराना, उसकी पढ़ाई छोड़वा के, ये गलत काम। सर मुरादाबाद में गांव में नमाज पढ़ लेते कुछ लोगों को दिक्कत होगी घर में, घर के अंदर? ये सभी दिक्कतें होंगी जब तक मनुवाद को हमारे देश से जड़ से समूल नाश नहीं किया जाएगा। घर पे भी नमाज नहीं पढ़ सकते ये सभी? घर में आप खाना नहीं खा सकेंगे,
घर में आप अपने जो पैसे कमा के लाए हैं, मोदी जी ने घरों में से लोगों के ये नोटबंदी के टाइम पे पैसे नहीं छीन लिए, छीने थे ना, आप अपने घर में अपना जो मेहनत का पैसा कमा के लाए वो नहीं रख पाएंगे, डकैतियां हो रही हैं लीगल, जिसका लीगल रूप दिया जा रहा है, तो हमें लड़ना पड़ेगा। 25 लाख करोड़ रुपए देश के अडानी अंबानी और इन जैसे जो धन्ना सेठ है उनको माफ कर दिया गया, जो आपका और मेरा पैसा है। अगर ब्राह्मण बलात्कारी है तो संस्कारी है सर। अडानी दुनिया के सर आपको खुशी हो रही है, अडानी जो है तीसरे नंबर पे नहीं है, वो एक बेईमान व्यक्ति है, मैं खुल के बोल रहा हूँ। वो मोदी जी अमित शाह जी के की मदद से देश के बैंकों का पैसा चुरा और लूट रहे हैं, आपका और मेरा पैसा चुरा के, वो मुझे तो हैरानी है नंबर वन क्यों नहीं बन गए, लेकिन वो पैसा चोरी का है, पैसा उधार ले रखा है जो वो नहीं वापस करेंगे, मैं आज बता रहा हूँ आप लोगों को। तो जनता को उठ खड़े होना पड़ेगा। पैसा तो विपक्ष में मिल रहा है ना सर आजकल? नहीं, पैसा मिलेगा, देखिए अगर ईडी सीबीआई और जो हमारी एजेंसीज हैं ईमानदारी से काम करेंगी, ईमानदारी से काम करने का मतलब जिसके पास जितनी बड़ी बेईमानी का पैसा है उसको पकड़ा जाए, तो किसी भी विपक्ष की पार्टी का नंबर ही नहीं आएगा, क्योंकि बीजेपी और आरएसएस के लोगों के पास सबसे ज्यादा बेईमानी और दो नंबर का पैसा है। वही एक मिनट वही अगर उस पर कार्रवाई शुरू करेंगे तो किसी और अपोजिशन का या किसी और आम नागरिक का नंबर ही नहीं आएगा, क्योंकि वो अगले 5 साल तक बीजेपी और आरएसएस के और इनके जो इंडस्ट्रियलिस्ट मित्र हैं उनको पकड़ने में बिजी रहेंगे, और देश जो है दुनिया का सबसे नंबर वन रिच कंट्री बन जाएगा अगर ईमानदारी से ईडी और सीबीआई काम करेगी। सर कहा जा रहा है कि गुजरात में इलेक्शन है इसलिए जो है बिल्किस बानो के अपराधियों को छोड़ दिया गया है। एक मिनट, खुशी हमें इसलिए जब मिलती है, अब देश हमारा सबसे रईस देश होता वो तो नहीं है ना, देश के पास पैसा है लेकिन रईस अब अडानी बन रहे हैं, इसका मुझे दुख है। Subscribe to One India channel and never miss an update.